आपको बता दें, दरअसल मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी इस वक्त छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और वो छत्तीसगढ़ के कई मुद्दों को लेकर के बयानबाजी कर रहे हैं। इसी बयानबाजी के बीच उन्होंने बलौदा बाजार हिंसा को लेकर के भी प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए थे। अब इस आरोप पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव का पलटवार सामने आया है और बड़ौदा बाजार मामले पर उन्होंने कहा कि जांच हुई तभी तो गिरफ्तारी हुई, कार्रवाई में सहयोग करना चाहिए बल्कि राजनीति नहीं। किरण सिंह देव ने नक्सलियों को लेकर के भी इस दौरान बयान दिया, कहा कि 70 नक्सली प्रभावित लोग राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और डिप्टी सीएम विजय शर्मा इस पर नजर रखेंगे। नहीं, जांच हुई तब तो यह हुआ, जांच हुई तब तो ये हुआ। अगर जांच ना हो तो बोलेंगे जांच नहीं हो रही है, कार्रवाई नहीं हुई तो बोलते हैं कार्रवाई नहीं हुई, और जब जांच और कार्रवाई हुई तो इनको जांच और कार्रवाई में सहयोग देना चाहिए और इससे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से वो बड़ा कांड था, उस पर जो भी फंडिंग पाई गई है उसके आधार पर हुआ है। मुझे तो ये लगता है इस पर जांच पर इनको सहयोग करना चाहिए। नहीं, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी विजय शर्मा जी और सतत इस पर अपना फोकस करके रखे हुए हैं और वास्तव में बस्तर में और सुदूर अंचल में हमारे वनवासी क्षेत्र है, चाहे वो दक्षिण बस्तर हो चाहे पश्चिम बस्तर हो, और इन क्षेत्रों पर और वहाँ की क्या है, क्या परिस्थितियां हैं, किस तरीके से क्या काम हो रहे हैं, किस तरीके से प्रभावित क्षेत्रों में कैसे उस दिशा में है और सरकार काम कर रही है, इस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो देखिए